बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अभी आप अपनी स्क्रीन पे अगर देखें तो मैं आप लोगों को दिखाया रहा हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह जो अंगूरों की बेल है वो कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई है, और उस पर जो अंगूर हैं वो माशाल्लाह कितने बड़े साइज़ के हो चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की शान है जी, वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को कितनी ज़्यादा नेमतों, कितने ज़्यादा ख़जाने अता किए हैं कि हम ये सोच भी नहीं सकते। और हमें सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हमारे ज़ुबान से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कलमे जो हैं वो हर वक्त जारी होने चाहिए। आप ये देख सकते हैं, आपकी आँखों के सामने है जी ये अंगूर, अल्लाह तबारक व तआला की ख़जानों में से, अल्लाह तबारक व तआला के ख़जानों में से एक ख़जाना है जी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को अता किए हैं। और ये हमने छत पे अपना जो रूफ टॉप गार्डन बनाया हुआ है ये वहाँ पे लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह कितने ज़्यादा लगे हैं। मतलब ये एक नहीं, ये मतलब मैं इसे काउंट भी नहीं कर सकता। ये देखें, ये ऐसा ऐसा और बड़े हो जाएंगे, और इसका आप ये साइज़ अभी देख रहे हैं माशाल्लाह इनका साइज़ कितना ज़बरदस्त है। ये सारे अंगूर हैं देखें, वाकई मतलब सच में जी हम इंसान अल्लाह तबारक व तआला की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह तआला ने इतनी नेमतें अदा कर दी हैं कि आपको बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहना चाहिए, इससे बढ़ के कोई नेमत नहीं हो सकती। और ये हमने छत पे आपके सामने जी, छत पे मैंने आप पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, छत पे हम लोगों ने उगाई है अंगूर की बेल, और अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई है। मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, सारा का सारा अंगूर है जी, अल्लाह ताला की शान है। मैं आपको और थोड़ा क्लोज दिखाता हूँ, ये देखिए सारा अंगूर है। वो देखिए कितना ज़्यादा अंगूर है, कि इतना ज़्यादा अंगूर है कि लिटरली आई कांट इवन काउंट देम, ये इतने ज़्यादा हैं। और ये माशाल्लाह पूरा पूरा गुच्छे उग रहे हैं, मतलब हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि यार ये इतना ज़्यादा अंगूर उग जाएगा, लेकिन आज आपके सामने है जी, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए है ज़बरदस्त चीज़ क्या जी, घर में बैठे बैठे आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं ज़बरदस्त ग्रेप्स। और अभी ये रेडी नहीं हुए, ये आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो कर जाएंगे। ये ब्लैक कलर के होते हैं, ब्लैक कलर का अंगूर होता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त बड़े साइज़ का अंगूर भी, तो खैर साइज़ छोटा है, ये बड़े साइज़ का अंगूर है। और ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कुछ और टाइम में ग्रो हो जाएगा, और ये इतना ज़बरदस्त इतना मीठा होता है, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। और जब कलर जब पूरा पक्का हो जाएगा, जब पक जाएगा, तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। ये देखिए कितना ज़्यादा अंगूर है, देख रहे हैं आप ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक। और इस सब के अंदर जी मेरी मेहनत है जी, मेरे वालिद साहब की मेहनत है जी, क्या ऑब्वियसली मेरी मेहनत है जी, मेरी ज़्यादा वैसे मेहनत नहीं है क्योंकि मेरी आदत नहीं क्रेडिट लेने का, लेकिन ऑब्वियसली मेरे फादर माशाल्लाह ही इज़ एन MBBS डॉक्टर, ये उनकी मेहनत है जी, उनकी वजह से ऑब्वियसली तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुआ, लेकिन जो सारी की सारी एफर्ट्स थी पीछे उनकी थी, उन्होंने उस पर मेहनत की। और आज आपके सामने आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर जा के भी दिखा देता हूँ ताकि आप ये देखें, ये देखें, आहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको थोड़ा सा ये नज़दीक में भी दिखाता हूँ, ये देखिए अल्लाह तबारक व तआला की शान है। माह रमज़ान का महीना है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अंगूर भी ग्रो कर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कितना ज़्यादा अंगूर है। तो आप भी अपने घर में, अपने घर की छत पे ये जो अंगूर है इसकी बेल आप उगा सकते हैं, रूफ टॉप गार्डन बना सकते हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह ये फिर आप आराम से अपने घर में ही
अंगूरों का मज़ा भी ले सकते हैं और इनका जायका, इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है जी, यकीन करें। अभी तो खैर ये खट्टे हैं, हम ट्राई भी किए थे खट्टे अंगूर, लेकिन जो है जब ये पक जाएंगे, एक दफ़ा ये रेडी हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये ब्लैक कलर के बन जाएंगे और इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, मीठे अंगूर होते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही जी ये पूरे रेडी हो जाएंगे, पक जाएंगे, मैं फिर आपको पूरी डिटेल एक और वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जी कि इनका कलर कितना ज़बरदस्त है और इनका जायका कितना ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ये देख सकते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये बेल है, छत पे हमारा रूफटॉप गार्डन है, ये बेल है और उस बेल के अंदर, इस बोल बेल के ऊपर ये सारा का सारा आपका गुरु कर रहे हैं। तो वाकई सच में अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है इंसान पे, हमें इतनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं, लेकिन हम इंसान जो है जी ना शुक्र ही रहते हैं। ये ना शुक्री जो है जी, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान को हर वक्त हर पल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी रहे जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ही कहे, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बढ़ के ना कोई बड़ी नेमत है। और इनफैक्ट मेरे लिए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शायद एक बहुत बड़ा ख़जाना भी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो अदा करते हैं इंसान को, उसकी इनकसारी आजजी की वजह से ही अता करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए जी कि आप हमेशा हमेशा आजिज़ और इनकसार रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज, उनके कलमात आपकी ज़ुबान पर हमेशा जारी रहें, ताकि इसी तरह इसमें ही हमारी कामयाबी है, यही हमारा दीन सिखाता है और लोगों की मदद करते हैं। रमज़ान के रोज़े रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।